इस वीडियो में बताने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 15 और उसका पार्ट 1 पहले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में बताएंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17 से। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, यह संयोग अवर्णक होगा यदि लेंसों की वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात होगा। तो कितना होगा इसका अनुपात कि ये संयोग अवर्णक होगा? तो इसका अनुपात तीन अनुपात एक होना चाहिए। तीन अनुपात जब एक होगा तो संयोग क्या होगा? अवर्णक होगा। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण कितना डिग्री होना चाहिए? तो न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण 45 डिग्री का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कांच एन का मान जो है 1.5 के पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण लैम्डा इस एन का मान दिया हुआ है और डेल्टा एम तथा अपवर्तन कोण आर में संबंध बताना है। ठीक है, तो कांच एन इक्वल टू 1.5 के पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम तथा अपवर्तन कोण आर में संबंध बताना। डेल्टा एम इज इक्वल टू आर हो जाएगा। प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री कोण वाले प्रिज्म की सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। प्रिज्म से निर्गत किरण आपतित किरण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो निर्गत किरण बताना है। तो निर्गत किरण जिस तल से निकलती है उसी के लंबवत हो जाती है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। यह किसी रंग की प्रकाश की किरण में 39 डिग्री का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? तो इसका अपवर्तनांक जो हो जाएगा 1.52 इसका अपवर्तन होगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर बताना कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होती है? तो विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। वायु में 4200 एंगस्ट्रॉम यानी 4200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय नीले प्रकाश का एक किरण पुंज जल में संचरण करता है, जल में इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो 3150 एंगस्ट्रॉम इसकी जल में तरंग दैर्घ्य होगी। अगला क्वेश्चन है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में संबंध है। तो ये किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में संबंध होगा एन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर एक किरण ए कोण वाले प्रिज्म के एक तल पर आई कोण पर आपतित होती है तथा दूसरे पृष्ठ पर लंबवत निर्गत होती है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन है तो आपतन कोण लगभग बराबर होगी। तो एन ए के बराबर होगी इसका अपवर्तनांक, आपतन कोण के बराबर होगी। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा एन ए वो आपतन कोण लगभग एन ए के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक का मान घट जाता है। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? तो ये बैगनी किरण बैगनी रंग के लिए जो होती है वो न्यूनतम होती है। कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण महत्तम होता है, तो लाल के लिए। एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो एन माइनस वन इंटू ए होगा। तीन प्रिज्म 1, 2 तथा 3 के कोण क्रमशः 60 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.4, 1.5 तथा 1.6 है। यदि डेल्टा 1, डेल्टा 2 तथा डेल्टा 3 क्रमशः उनके कोणीय विचलन हो तो क्या होगा? तो डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1 यानी 1 से बड़ा होगा 2 और 2 से बड़ा होगा 3। स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी कार्य करता है। स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी समांतर किरणों को प्राप्त करने तथा उनके प्रतिबिंब बनाने के लिए कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म स्पेक्ट्रम में कॉलिमेटर का काम है। तो कॉलिमेटर का काम किरणों को समांतर करना होता है। कॉलिमेटर का काम 4 डिग्री कोण तथा 1.5
पांच चार अपवर्तनांक के कांच का एक बना पतला प्रिज्म पी वन एक दूसरे पतले प्रिज्म पी टू के साथ जिसके कांच का अपवर्तनांक 1.72 है विचलन रहित विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए संयुक्त किया जाता है, प्रिज्म पी टू का कोण होगा, तो ये 3 डिग्री इसका कोण हो जाएगा। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था, यानी पार्ट वन में इसका कुछ क्वेश्चन बताए थे, और इस वीडियो में यानी कि ये पार्ट टू था इसका, और इसका क्वेश्चन था लास्ट 33। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर कर दे और वीडियो में बने रहें।